तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ने लॉन्गसिंग इंस्टीट्यूट के सभी लोगों को मिलने के लिए बुलाया था। जहाँ पर डायरेक्टर लॉन्ग पीछे से कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि यांगचैंग के अंदर इतना बेहतर होटल भी होगा। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि जैसा कि यहाँ पर से ग्रुप के द्वारा बुक किया गया था तो ये यहाँ पर जरूर बेहतर होगा, इसलिए चलो अंदर चलकर पहले कुछ यहाँ पर खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। जहाँ पर मिस्टर सैन जैसे ही अंदर जाते हैं कोई पर्सन यहाँ पर उन्हें बुलाता है। जहाँ पर मिस्टर सैन उसे देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो, तो पर्सन कहता है कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम वैंग फू है और मैं बस यहाँ की इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर सेरेमनी के अंदर भाग लेने के लिए आया हूँ। और वैसे भी मिस्टर वाई फैंग ने यहाँ पर आपको चाय के लिए इन्वाइट किया है, तो क्या आप चलना चाहेंगे? और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर आपको पूरे आदर के साथ उनके पास ले चलूँ। जिस पर मिस्टर सैंग कहते हैं कि वैसे मैं यहाँ पर उस पर्सन को नहीं जानता हूँ, तो तुम यहाँ पर उनके लिए उनके साथ चाय पीने के लिए यहाँ पर किसी और पर्सन को इन्वाइट कर लो। और ऐसा कह के वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैंग फू यहाँ पर उन्हें तुरंत रोक देता है। जहाँ पर वैंग फू कह रहा होता है कि वाई फैंग ने यहाँ पर मुझसे कहा है कि उनका यहाँ पर बहुत जरूरी है आपके साथ एक जरूरी बात करना, और वो यहाँ पर चाहते हैं कि आप यहाँ पर उनके साथ मिले और उनसे थोड़ी बातें करें, तो आपको तो चलना ही होगा। जिस पर मिस्टर सैंग कहते हैं कि आज के लिए यहाँ पर मुझे किसी और ने इन्वाइट किया है और मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर इसे समझोगे और यहाँ पर मेरा पीछा करना छोड़ दोगे। जिस पर वैंग फू भी कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन आपको इसे भी समझना होगा, यहाँ पर मैं भी किसी के ऑर्डर पर आया हूँ और मेरे लिए आपको ले जाना बहुत जरूरी है, तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई पर्सन यहाँ पर पीछे से कहता है कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर मिस्टर सैन से मिलने की जरूरत ही क्या है। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिन ही कह रहा होता है। जहाँ पर लिन वैंग फू से कहता है कि यहाँ पर मिस्टर सैन ने तुम्हारे ऑफर को पहले रिजेक्ट कर दिया, तो तुम यहाँ पर किसी टेप की तरीके तुम यहाँ पर उनसे चिपकना बंद करो। जिस पर वैंग फू यहाँ पर लिन से कहता है कि ये यहाँ पर हमारे बीच का मामला है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊँ, क्या तुम मुझे थ्रेटन करना चाहते हो? और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में नहीं पता, तो तुम यहाँ पर अपने बॉस के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। और ऐसा कहते हुए लिन यहाँ पर उसे उसके बालों से पकड़कर उठाकर फेंक देता है। तभी मिस्टर सैन कहते हैं लिन से कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर यांगचिंग के अंदर होंगे, वैसे भी मैं भी यहाँ पर एक मीटिंग के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। जिस पर लिन कहता है कि वैसे भी यहाँ पर ये बात करने की सही जगह नहीं है, तो हम लोग ऊपर चलकर बात करते हैं। जिस पर मिस्टर सैन भी कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा। इसी के साथ हम यहाँ पर ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन उनसे पूछ रहा होता है कि मैंने यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर यांगचिंग के अंदर इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर सम्मेलन होने वाला है, तो क्या आप लोग यहाँ पर इसके अंदर इन्वाइट हैं? जिस पर डायरेक्टर लॉन्ग बताते हैं कि बॉस सैन यहाँ पर हमारा बस थोड़ा मनोरंजन करने के लिए लाए हैं, इसके अलावा हमारी लिथोग्राफी की मशीन पूरी हो चुकी है और हम उसे पूरी तरीके से विकसित कर चुके हैं, बस उसकी कुछ पेपर वर्क है जो कि हमें कंप्लीट करना है, तो हम इसी से जुड़ी हुई बातें करने के लिए यहाँ पर आए थे। जहाँ पर लिन इस बात को सुनते हुए कहता है कि क्या आपने यहाँ पर इसे इतना जल्दी पूरा कर लिया? जिस पर मिस्टर सैन बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 नैनोमीटर की चिप है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भले ही यहाँ पर उपज दर अभी थोड़ी कम है, लेकिन हम दुनिया भर में 5 नैनोमीटर की चिप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे कि यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे इतना जल्दी सभी के सामने ले आना सही नहीं होगा। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मुझे पता है और वैसे भी यहाँ पर इसे संभालने में थोड़ा समय लगेगा, हम लोग यहाँ पर दुनिया की गति से थोड़ा बहुत तो तालमेल बैठा ही चुके हैं। तभी लिन यहाँ पर मिस्टर सैन से पूछता है कि वैसे क्या वो आदमी यहाँ पर वाई फैमिली की तरफ से था? तो मिस्टर सैन कहते हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी वाई फैमिली की तरफ से नहीं था, वो यहाँ पर किसी वैंग फू नाम के पर्सन की तरफ से था। जिस पर लिन यहाँ पर मिस्टर सैन से कहता है कि क्या आप यहाँ पर उस वाई फैंग नाम के पर्सन की क्या जानकारी को निकालने में आप मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मैं उस पर्सन के बारे में सब कुछ जान सकूं? तो यहाँ पर मिस्टर सैन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन को निकालने के ऊपर ध्यान देता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर सैन के पास यहाँ पर किसी का कॉल आने लगता है और हम देखते हैं कि वो कॉल यहाँ पर वैंग फू का था, और जहाँ तक हमें लग रहा था कि वैंग फू यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन है, मेरा मतलब है कि मिस्टर सैन को लग रहा था वैंग फू यहाँ पर खुद ही इस बात को जाहिर कर देता है कि वो यहाँ पर वाई फैमिली से है। और जिस बात को सुनकर मिस्टर सैन यहाँ पर कॉल को स्पीकर पर कर देते हैं, जहाँ पर वैंग फू पूछ रहा होता है मिस्टर सैन से कि क्या आपको नहीं पता था कि मैं यहाँ पर कौन हूँ? जिस पर मिस्टर सैन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप कौन है, लेकिन यहाँ पर हमारे बीच बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, वैसे भी मेरे जो बॉस हैं वो यहाँ पर हैं, तो क्या आप यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे? जिसके बाद लिन यहाँ पर उस पर्सन से कहता है कि वैसे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर यहाँ पर मेरे कर्मचारियों के ऊपर है, लेकिन वैसे भी मैं यहाँ पर आपको दाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को एक इंटरनेशनल कंपनी के तौर पर कायम रखा है और ऐसा लगता है कि आपके पास यहाँ पर इसे लेकर थोड़े बहुत तो प्लान है। जिस पर वैंग फू कहता है कि मिस्टर लिन, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर मिस्टर सैन को परेशान ना करें, तो आप यहाँ पर हमारी वाई फैमिली के अंदर शामिल क्यों नहीं हो जाते हैं? वैसे भी आपकी यहाँ पर जगह को हम यहाँ पर मिस्टर सैन को देने के बारे में सोच रहे थे, तो आप यहाँ पर इस बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर इसको लेकर तैयार हो जाइएगा तो हमें बता दीजिएगा। जिस पर लिन यहाँ पर कहता है कि वह ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं मुझे पकड़ने की, वो शायद बहुत छोटी सी है, और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी धमकी का इस्तेमाल कर आप यहाँ पर खुद का मजाक मत बनाइए। जिस पर वाई फैंग कहता है कि तो ठीक है, मैं यहाँ पर बाद में मिस्टर सैंग के फोन पर एक ईमेल भेजूंगा जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और आप यहाँ पर उसे देखने के बाद
डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कैसा फैसला लेना है और ये आपके ऊपर होगा कि आप क्या चुनते हैं। तुलिन कहता है कि तो ठीक है। और उस कॉल के कट हो जाने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर लॉन्ग कहते हैं कि अगर ये इंसान क्या करना चाहता है, वैसे भी अगर ये यहाँ पर एक बार मेरे सामने होता तो मैं इसे जरूर एक थप्पड़ मारना चाहता। जिस पर डायरेक्टर को शांत कराते हुए लड़की कहती है कि डायरेक्टर शांत हो जाइए। और हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त के अंदर यहाँ पर मिस्टर सैंग के फोन पर एक ईमेल आती है जिस ईमेल के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर यहाँ पर मिस्टर सैंग भी शॉक होते हैं। जहाँ पर मिस्टर सैंग के इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखने के साथ कहता है कि चल क्या रहा है, तो मिस्टर सैंग यहाँ पर घबराते हुए बताते हैं कि हमारी जितनी भी रिसर्च थी यहाँ पर उसे चोरी कर लिया गया है। जिस बात को सुनकर लड़की हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी जो फोटोलिथोग्राफी का प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीक्रेट था और हमारे अलावा यहाँ पर इसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो भी बहुत ज्यादा सीक्रेटली करवाए गए थे, तो यहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि किसी को इस बारे में पता है। जहाँ पर वो ये कहने के बाद रोने लगती है और रोते हुए कह रही होती है कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और वैसे भी पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है और अभी भी ऐसा हो रहा है, मैं यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ मिस्टर लिन, यहाँ पर आपको इसे लेकर कुछ करना होगा। जिस पर लिन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर साइंटिस्ट हो और यहाँ पर तुम लोग बिजनेस की दुनिया को नहीं जानते, तो मैं इसके लिए यहाँ पर तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, इसके अंदर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जिस पर मिस्टर सैन कहते हैं कि लेकिन मैं अलग हूँ, भले ही मैं यहाँ पर मेन फैक्ट्री के अंदर काम करता हूँ और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रयोगशाला है उसकी सुरक्षा का भी भार यहाँ पर मेरे ही ऊपर है, लेकिन यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस चीज को संभाल लूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अफसोस है कि मैं यहाँ पर इन चीजों को अच्छे से संभाल नहीं पाया हूँ और मैं यहाँ पर सच में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिस पर लिन यहाँ पर उन्हें कम्फर्ट करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इस बारे में बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया, अभी हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तभी हम देखते हैं लिन के पास यहाँ पर किसी का कॉल आने लगता है जो कि वाई फैंग का था और वो यहाँ पर कह रहा था लिन से कि वैसे आपने यहाँ पर क्या ईमेल को देख लिया है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ईमेल को देख लिया हो तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अभी भी यहाँ पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो मैं इसे छिपाए रखूंगा और ये यहाँ पर एक लिंगिया ग्रुप की उपलब्धि मानी जाएगी, नहीं तो मुझे आप यहाँ पर इसके लिए माफ कर दीजिएगा। जिस पर लिन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो, और सचमुच में मैं यहाँ पर तुम्हारी सराहना करना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर ऐसा काम करने के बाद मुझे यहाँ पर सूचना भी कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर वक्त है कि तुम्हें थोड़ा और ज्यादा संभल कर चलना चाहिए। और इतना कुछ कहने के बाद लिन यहाँ पर कॉल को कट कर देता है, जहाँ पर मिस्टर सैन कह रहे होते हैं कि तो मिस्टर लिन अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर लिन यहाँ पर कहता है कि पहले हमें यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी लैब को सील करने की जरूरत है ताकि वहाँ से कोई बाहर ना जा सके, जो कि लिन यहाँ पर मिस रिक्सू से भी कहता है, तो मिस रिक्सू कहती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, तो मिस लिन कहता है कि मैंने जैसा कहा है आप यहाँ पर फिलहाल के लिए वैसा कीजिए और आप यहाँ पर ज्यादा कुछ मत पूछिए। जिसके बाद लिन यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर लैब में कॉन्टेक्ट करो और यहाँ पर लैब से पूछो, लैब के कर्मचारियों से पूछो कि यहाँ पर आज लैब में कितने लोग एब्सेंट हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी वक्त नहीं इस चीज को लेकर। जहाँ वो लड़की लैब में कॉल करते हुए लिन से कह रही होती है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, जहाँ पर वो थोड़ी देर बाद लिन को बताती है कि यहाँ पर लैब में 5 लोग हैं जो कि यहाँ पर गायब हैं। जहाँ पर ये लड़की यहाँ पर लिन को उन सारे लोगों की रीजंस भी बताती है कि उन लोगों ने छुट्टी क्यों ली है। जिस पर लिन यहाँ पर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इन 5 लोगों के पास अलग अलग नंबर से कॉन्टेक्ट करो और पता करो कि इन लोगों ने यहाँ पर जैसा बताया इन लोगों ने क्या उसी रीजन की वजह से छुट्टी ली है। इसके बाद हमें यहाँ पर 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की कह रही होती है मिस्टर लिन से कि मिस्टर लिन यहाँ पर क्यूआई चैंग से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी सब लोग अपनी जगह पर हैं। जिस लड़की के नाम को सुनकर डायरेक्टर लोग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तो ये वही है। जिस पर लिन कहता है कि अभी आप यहाँ पर नतीजे पर मत पहुंचिए, क्योंकि वैसे भी अभी भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर एविडेंस नहीं है यहाँ पर इस चीज को लेकर। जिसके बाद लिन यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर लेबोरेटरी में कॉन्टेक्ट करो और यहाँ पर लिंगयांग ग्रुप के अंदर भी कॉन्टेक्ट कर यहाँ पर इन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहो, तब तक मैं यहाँ पर बाकी चीजों की तैयारी करता हूँ और वैसे भी 5 बज चुके हैं, तो चलो यहाँ पर रात के डिनर के लिए चलते हैं। इसी के साथ लिन यहाँ पर मिस्टर सैन से कह रहा होता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आपका पहली बार है, लेकिन हम इस चीज को संभाल लेंगे। वैसे भी यहाँ पर उस बेवकूफ को लगता होगा कि उसने यहाँ पर हमें पूरी तरीके से हरा दिया, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या कर पाता है। जिस पर मिस्टर सैन कहते हैं कि तो ठीक है आप लोग जाकर नाश्ता कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। जहाँ पर मिस्टर सैन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे और इस वजह से यहाँ पर उन्होंने काफी सारे सिगरेट को पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा कर पूरा स्मोक कर लिया था। जिस पर लिन यहाँ पर उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि आप यहाँ पर इस मामले की चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर इसे संभाल लूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर इतनी आसानी से आपकी कड़ी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकता। जिसके बाद हमारा सीन वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन को छोड़कर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा ही परेशानी के साथ भोजन कर रहे थे। तभी ये लड़की यहाँ पर मिस्टर सैन से कहती है कि वैसे यहाँ पर जो वाइफ
फैमिली है, अगर वो लोग यहाँ पर पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी मशीन के बारे में, तो यहाँ पर मीडिया की मदद से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस खबर को उनकी रेपुटेशन के साथ पूरी दुनिया के अंदर फैलने में। जिसपलिन कहता है कि जैसा कि यहाँ पर उनकी नजर यहाँ पर मेरे ऊपर है, तो मुझे लगता है कि वो लोग इतनी आसानी से और इतना जल्दी यहाँ पर ये सब कुछ पब्लिक नहीं करने वाले। तभी हम देखते हैं लिन के पास यहाँ पर आंट सैन का कॉल आता है, जो कि यहाँ पर लिन से कह रही होती है कि आखिरकार क्या चल रहा है, वाई फैमिली के द्वारा यहाँ पर पब्लिक की गई फोटोलिथोग्राफी मशीन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारी टेक्नोलॉजी जैसी है, क्या आपके रिसर्च को यहाँ पर किसी और ने लीक तो नहीं कर दिया है। जिसपलिन कहता है कि यहाँ कुछ ऐसा ही है आंट सैन, और आप यहाँ पर इस बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। जिस पर आंट सैन कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग फैमिली से मतलब कि आंट सैन की फैमिली से यहाँ पर कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर बेझिझक कॉल कर सकता है। ऐसा यहाँ पर आंट सैन लिन को कहती है, जहाँ पर लिन उनकी इस बात को सुनकर यहाँ पर उन्हें इसके लिए थैंक्स कहता है और कॉल को कट कर देता है। लेकिन तभी लिन के पास एक नोटिफिकेशन आती है जो कि मिस वाई की तरफ से किया गया एक मैसेज था, और वो यहाँ पर लिन से इसे लेकर माफी मांग रही थी। लेकिन लिन यहाँ पर इसका कोई रिप्लाई ना करते हुए फोन को ऑफ कर देता है, जिसके बाद हमारा सीन वहाँ से वाई फैमिली के मेंशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस वाई को जो कि यहाँ पर अपने डैड से कह रही होती है कि आखिरकार आपने ये क्या किया। जिस पर मिस वाई के फादर कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके से चिल्ला रही हो, और वैसे भी क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी किसी से बात करने के कोई भी मैनर्स नहीं है, और वैसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा टाइम दे रखा था, लेकिन जबकि तुम यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं लेकर आ पाई हो, तो मुझे यहाँ पर खुद ही ऐसा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसे इसी तरीके से खींचते रहेंगे तो हमारे पास सक्सेस होने का कोई मौका नहीं होगा। जिस पर मिस वाई कहती है कि आप यहाँ पर इनकी क्षमताओं के बारे में नहीं जानते हैं, और आप यहाँ पर ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जिस पर मिस वाई के फादर कहते हैं कि बेशक मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा केपेबल है, और मैंने यहाँ पर उस जैसा पर्सन नहीं देखा, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर यंग है, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जानता कि वो यहाँ पर किस तरीके से इससे बाहर आ सकता है, तो उसे इस बारे में अभी सीखना होगा। जिस पर मिस वाई कहती है कि मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप यहाँ पर इस मामले को जल्दी से व्यवस्थित कर दीजिए, क्योंकि मैं लिनिया के बारे में जानती हूँ, वो यहाँ पर इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देगा, और वो यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए भी जरूर आगे आएगा। जिस पर मिस वाई के फादर कहते हैं कि वेल मैं इसे देख लूंगा। जिस पर मिस वाई जाते हुए कहती है कि मैं बस आपको इस बारे में बताने के लिए आई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर बुरे तरीके से फेल होते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी मुझे नहीं घसीटेंगे। जिसके बाद हमारा सीन वहाँ से यांगजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें काफी सारे लोगों की भीड़ दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन भी आया हुआ था, और वो इन लोगों को देखते हुए कहता है कि वाह ये बेहतरीन लग रहा है देखने में। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आंट सैन भी आई होती है, और वो यहाँ पर लिन को देखकर लिन को अपने पास बुलाती है, जहाँ पर वो लोग आंट सैन के पास आते हैं, और मिस्टर सैन यहाँ पर आंट सैन से हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि बहुत लंबा वक्त हो गया आपको देखे हुए। तो इस पर आंट सैन भी कहती है कि हाँ 3 साल हो गए होंगे, और आप पिछली बार की ही तरह अच्छे लग रहे हैं। जहाँ पर लिन ये देखते हुए केयर होता है कि वो ऐसा लगता है कि आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जिस पर आंट सैन कहती है कि हाँ ऐसा ही कुछ है, और मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। और फिर हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है आंट सैन को जो कि यहाँ पर लिन से पूछ रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर सैन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही इस चीज को लेकर डिप्रेस हो चुके हैं। तो लिन कहता है कि हाँ इस बारे में बात मत कीजिए, वैसे भी यहाँ पर जो चीजें हो चुकी हैं वो यहाँ पर उस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ही परेशान है। तो इस पर आंट सैन कहती है कि हाँ मुझे पता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरे विचारों वाले पर्सन है, और मुझे यकीन है कि उन्होंने यहाँ पर बिना किसी शर्त के आपके ऊपर भरोसा कर लिया होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर किसी भी तरीके से इसे ठीक करोगे, और उन्हें यहाँ पर पहले स्थिति का पता लगाना होगा और पता करना होगा कि आखिरकार आप इसे निपटेंगे कैसे। जिस पर लिन कहता है कि इस कंडीशन में भले ही हम यहाँ पर जानते हैं कि स्पाई कौन है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ पर पहले से इसके लिए कुछ लोगों को प्रिपेयर कर दिया है जो कि यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। जिस पर आंट सैन कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इसे संभाल लोगे, और वैसे भी यहाँ पर ये कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं बन गई है जिसे कि यहाँ पर से हल्के में लिया जा सके, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं, और वैसे भी फ्यूचर के अंदर हम यहाँ पर तुम्हारे नेटवर्क को यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी चलो चलते हैं, ऑलमोस्ट इन चीजों के शुरू होने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को जो कि यहाँ पर अंदर आते हुए यहाँ पर किसी चीज को लेकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वाई फैंग को जो कि यहाँ पर अपने साथी से कह रहा होता है कि वैसे हमें यहाँ पर इन चीजों को खत्म होने के बाद यहाँ पर हमें कॉपरेशन को भी लेकर बात करनी है। लेकिन तभी वैंग फू यहाँ पर मिस्टर वाई फैंग को सामने की तरफ देखने के लिए कहता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन आंट सैन के साथ बातें करते हुए आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आंट सैन की नजर भी यहाँ पर वाई फैंग के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ पर आंट सैन उसके बारे में लिन को बताती है कि संभाल कर वो यहाँ पर वाई फैमिली का वाई फैंग है, जो यहाँ पर वाई फैमिली कंसोर्टियम का सेकंड इन कमांड है, और वो यहाँ पर हाल ही में वो यहाँ पर अपने स्तर को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा चुका है। जहाँ पर वाई फैंग आंट सैन और लिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
जहाँ पर आंट सन कह रही होती हैं कि हाँ वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर 5 नैनोमीटर की चिप को यहाँ पर तैयार कर लिया और यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी मशीन को विकसित किया है। वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है जो कि आप लोगों ने उठाया है और इंटरनेशनल कैपिटल के अंदर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही कदम है। जिस पर वाई फैंग कहता है कि यहाँ पर हमारी ताकत के साथ कैपिटल से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी हम लोग यहाँ पर हमारी वाई फैमिली के अंदर यहाँ पर एक सेकेंडरी वैज्ञानिक को ढूंढ रहे थे और हमने यहाँ पर उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी मशीन को विकसित कर लिया है जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत बड़ी चीज है बाजार के अंदर। जहाँ पर लिन इस बात को सुनते हुए कह रहा होता है कि वह ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके अनुसंधान को इसे विकसित करने में यहाँ पर बहुत लंबे समय की रिसर्च लगी होगी। जहाँ पर लिन इसके लिए मिस्टर वाई फैंग को कांग्रेस भी करता है। जहाँ पर लिन उनसे कह रहा होता है कि अभी तो आपने यहाँ पर इसे शुरू किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर आप इसे धीमा कर बिल्कुल भी नहीं छोड़ देंगे। जिस पर वाई फैंग कहता है कि हाँ मुझे पता है और वैसे भी यहाँ पर तुम जैसे युवा पर्सन के लिए ये सब बहुत ज्यादा परेशानी भरा होगा लेकिन यहाँ पर बिजनेस की दुनिया में ये सब कुछ चलता है और कमजोर लोगों के ऊपर कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जाती। और आइए हम लोग यहाँ पर फ्यूचर के अंदर अपना पूरा वक्त लेते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सकें। और ऐसा कहते हुए वाई फैंग वहाँ से चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं लिन से जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। और हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद यहाँ पर आंट सैन लिन से कहती है कि तुम इन चीजों को लेकर परेशान मत हो जाओ और वैसे भी चलो मैं तुम्हें दूसरे बॉसों से मिलवाती हूँ। जिसके लिए लिन यहाँ पर हाँ कर देता है और हमारा सीन यहाँ पर दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें वाई फैंग को दिखाया जाता है कुछ लोगों के साथ बातें करता हुआ। जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन मिस्टर वाई फैंग से कह रहा है कि मिस्टर वाई फैंग ये बहुत ज्यादा कमाल का है कि आपकी टीम ने यहाँ पर मिलकर इस लेवल पर भी यहाँ पर 5 नैनोमीटर के चिप को डेवलप किया है जो कि इस टाइम यूज होने वाली फोटोलिथोग्राफी मशीन से भी आगे की टेक्नोलॉजी है। तभी लड़की भी कहती है कि मिस्टर वाई क्या यहाँ पर ऐसा है कि आप यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी मार्केट के अंदर डोमिनेट करने वाले है। जिस पर पीछे खड़ा हुआ पर्सन भी कहता है कि हाँ वैसे भी यहाँ पर मैं इस आपकी प्रोग्रेस को देखकर आज यहाँ पर आज रात के डिनर के लिए आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। जिस पर वाई फैंग कहता है कि अरे आपकी यहाँ पर इस तारीफ के लिए धन्यवाद और वैसे भी न केवल मैं यहाँ पर 5 नैनोमीटर की चिप को डेवलप कर रहा हूँ बल्कि यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर मैं जल्दी ही करीबन 2 से 3 सालों के अंदर मैं यहाँ पर 2 नैनोमीटर की चिप को भी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। तभी वैंग फू यहाँ पर वाई फैंग से कहता है कि वैसे सर क्या हमें यहाँ पर डायरेक्टर सैन के पास जाकर उन्हें यहाँ पर इस चीज के लिए बधाई देते हुए थोड़ी बात करनी चाहिए। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ पर अभी कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने में करीबन 20 मिनट का टाइम बाकी है। और ऐसा कहते हुए मिस्टर वाई फैंग यहाँ पर मिस्टर सैन के पास आते हुए उन्हें हेलो कहते हैं जहाँ पर मिस्टर वाई फैंग कहते हैं मिस्टर सैन से कि हम दोबारा मिल गए। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो इस पर मिस्टर वाई फैंग यहाँ पर मिस्टर सैन को काम डाउन करते हुए कहते हैं कि मैं तो बस आपको हेलो कहने के लिए आया था और बस याद दिलाना चाहता था हमारे बीच के उस सौदे के बारे में। अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर राजी होते हैं तो मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस पर मिस्टर सैन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन मिस्टर वाई फैंग यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान न देते हुए कहते हैं कि इस बारे में मना करने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसे यहाँ पर आपने रिसर्च कर खोजा है और कैसा रहेगा कि आप यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं और यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अपने नाम को और ज्यादा फेमस करें क्योंकि वैसे भी आपने यहाँ पर हमारी कंपनी के लिए इतनी बड़ी चीज की है तो हमें भी यहाँ पर इसके कंपनसेशन के तौर पर कुछ करना होगा। जिस पर डायरेक्टर लू कहते हैं कि यहाँ से बकवास करना बंद करो और दफा हो जाओ। जिस पर मिस्टर वाई फैंग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि जैसा कि ये अभी तुम्हारी जीत है तो यहाँ पर तुम लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो और उम्मीद है कि मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा मिलूंगा। जिसके बाद मिस्टर ये फैंग यहाँ पर एलिस के बारे में पूछते हैं तो वैंग फू यहाँ पर इशारा करते हुए उन्हें बताता है कि वो वहाँ पर है। जहाँ पर हम देखते हैं मिस एलिस को जो कि यहाँ पर किसी लड़की के साथ बात कर रही थी और मिस एलिस यहाँ पर जिससे बात कर रही होती है उसका नाम यहाँ पर क्लैरी होता है जो यहाँ पर एक कंपनी की हेड है। जहाँ पर मिस्टर वाई फैंग आते हुए उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर बैठने की तो एलिस यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर उन्हें मना कर देती है। तो मिस्टर वाई फैंग यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान न देते हुए एलिस से कहते हैं कि वैसे हमने यहाँ पर हाल ही में 5 नैनोमीटर के चिप को डेवलप कर लिया है फोटोलिथोग्राफी मशीन के लिए और वैसे भी मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर आपसे लाइट और लेंस की डिमांड कर सकूं। जहाँ पर एलिस इस बात को सुनकर मिस्टर वाई फैंग से कहती है कि भले ही आपने यहाँ पर लिथोग्राफी की मशीन को डेवलप कर लिया हो लेकिन 5 नैनोमीटर यहाँ पर मेरे पास 100 पेटेंट्स होंगे यहाँ पर नैनोमीटर्स के लेकिन फिर भी मैं एक बार तो यहाँ पर इसे जरूर देखना चाहूंगी। लेकिन तभी क्लैरी कहती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है, आपके पास यहाँ पर लाइट और लेंस नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आपने यहाँ पर 5 नैनोमीटर के चिप को डेवलप कर लिया है ना, तो आखिरकार अभी आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, आपके पास वो है ना। जिस पर मिस्टर वाई फैंग कहते हैं कि वैसे तुम दोनों से यहाँ पर कोऑपरेट करना मिले इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फ्यूचर में ये हमारे लिए एक जीतने वाली सिचुएशन होगी। जिस पर एलिस कहती है कि तो क्या आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि किसी दूसरी कंपनी के अंदर यहाँ पर इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है कि वो यहाँ पर आपकी पार्टनर बन सके, और वैसे भी क्या आपने इस बारे में सुन रखा है कि यहाँ पर चाइना के अंदर कोई और भी है जिसने कि यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी मशीन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, तो क्या आप यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करेंगे। जहाँ पर मिस्टर वाई फैंग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं क्लैरी की नजर यहाँ पर लिन के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पर लिन को देखकर एलिस के साथ वहाँ पर जाने लगती है और मिस्टर
वाई फैंग ये सब देखते हुए शौक हो रहे होते हैं। और मैं अभी भी शौक हूँ कि यहाँ पर क्लैरी का फर्स्ट टाइम है, यहाँ पर लिन को देख रहा था, वो लिन से लिपट क्यों गई। जिसके बाद मिस्टर वाई फैंग यहाँ पर वैंग फू से पूछते हैं मिस्टर वाई के बारे में। तो वैंग फू बताता है कि मैंने अभी तक उन्हें खुद भी नहीं देखा है, शायद वो कहीं जरूरी काम में लगे होंगे। तो मिस्टर वाई फैंग यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं वैंग फू से। तो और हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर एलिस से पूछ रहा होता है कि क्या सब कुछ तैयार है। तो एलिस कहती है कि हाँ सब कुछ तैयार है, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी और हमने यहाँ पर पहले से ही सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर लिया है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर थोड़े और दिनों तक रुकते हैं तो हम लोग यहाँ पर एबल हो जाएंगे उन लोगों के साथ भी कॉन्टेक्ट करने में, जो कि अभी के हिसाब से और ज्यादा बेहतर तरीके से इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। जिस पर लिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग भी यहाँ पर आपकी तरह नहीं है, वो लोग यहाँ पर रूथलेस है, और वैसे भी अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें यहाँ पर जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वो उसी तरफ को सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि इस मीटिंग के स्टार के आने का वक्त हो चुका है, तो तुम लोग भी यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर वो दोनों बेस के लिए हाँ करती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर वाई फाई आ जाता है, जो कि पीछे से कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ लिन की वजह से यहाँ पर मुझे लेंस और लाइट देने से मना कर देंगे, लेकिन वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर वाई कॉपरेशन की मदद से यहाँ पर दूसरी कंपनियों से अगर इस चीज की डिमांड करता हूँ तो वो यहाँ पर हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तो क्या आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप बस इस चीज की वजह से इस फील्ड के अंदर यहाँ पर एक दूसरी कंपनी खोलने वाले हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी को सपोर्ट करने वाले हैं, जिसका कॉम्पिटिशन आप एक तरीके से करवाने वाले हैं इन टॉप 10 कंपनियों के साथ। जिस पर मिस्टर वाई फैंग कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन और हमारी क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर ऐसा करना मुमकिन है, तो अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि तुम्हारा लिंगयांग ग्रुप बहुत ज्यादा छोटा सा ग्रुप है। जिस पर लिन कहता है कि वाओ ये तो परफेक्ट है, यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कोई टाइम नहीं बचा, तो चलो पहले यहाँ पर इस चीज के ऊपर क्यों ना बात कर ली जाए। तो इस पर मिस्टर वाई फैंग कहते हैं कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, तुमने अपना मौका खो दिया है। जिस पर लिन कहता है कि हाँ शायद, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। उसके बाद लिन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए धीरे से ये फैंग को बताता है कि मेरे पास यहाँ पर उसकी 12% इक्विटी है। तो लाइट और लेंस, क्या तुम अभी भी यहाँ पर इन चीजों को सामने ले आने की कोशिश करोगे? और हम देखते हैं कि ये फैंग यहाँ पर इस बारे में जानकर और ज्यादा हैरान होता है। जिस पर लिन उसे इग्नोर कर आगे जाते हुए कहता है कि तुम सरप्राइज मत हो, ये यहाँ पर इतनी बड़ी भी चीज नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कुछ है जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे मिस नहीं करोगे। जहाँ पर ये फैंग ये देखते हुए कह रहा होता है कि डैम, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, और ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपने भाई को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन तभी वैंग खू वहाँ पर आते हुए बताता है कि सर यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, कि दरअसल यांगली ग्रुप के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक साथ अनाउंस किया है कि वो लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ है और वो हमारे वाई कॉपरेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले। जहाँ पर ये बताते हुए वैंग खू यहाँ पर इस न्यूज को वाई फैंग को देता है, जहाँ पर वाई फैंग ये सब कुछ देखते हुए कह रहा होता है कि डैमेट आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो जिस पर वैंग खू बताता है कि हमें पहले शांत होकर यहाँ पर इस चीज से निपटने का तरीका ढूंढना होगा और उसके बाद यहाँ पर हमें चीजों को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर चीजें हमारे यहाँ से निकल गई तो हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे अगर यहाँ पर चीजें हमारे हाथों से निकल गई। जिस पर वाई फैंग कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं पूछा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर आ जाते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बाकी की कंपनियां यहाँ पर आपके खिलाफ हो चुकी हैं, आपके यहाँ पर वाई कॉपरेशन ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो कंपनियां यहाँ पर अभी के लिए आपसे अपने सारे के सारे रिलेशन को भूलकर यहाँ पर लड़ना चाहती हैं, और यहाँ पर आपके फोटो लिथोग्राफी मशीन का क्या हुआ, और यहाँ पर इसके बारे में क्या है कि ये कहाँ से आई है। जहाँ पर वैंग खू वाई फैंग को बजाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, अपनी फजूल की बातें करना बंद करो, सर यहाँ पर अभी थोड़ा बिजी है तो वो यहाँ पर तुमसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और वो ऐसा कहते हुए यहाँ पर वाई फैंग को लेकर उन मीडिया वालों के सामने से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन वहाँ से वाई फैमिली के मेंशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर फोटो लिथोग्राफी मशीन का पूरा प्रोसेस है। और हम देखते हैं कि ये वाई फैमिली होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अभी हमें यहाँ पर सेमीकंडक्टर, यहाँ पर ये फील्ड भी बची हुई जिसके अंदर हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर से कोई आवाज आने लगती है, तो वो यहाँ पर अपने गार्ड को बाहर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जाकर पता करो कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। जिसके बाद वाई फैमिली के हेड यहाँ पर मिस वाई से कहते हैं कि वैसे यहाँ पर ये जो मीटिंग है ये यहाँ पर एक घंटे से भी ज्यादा वक्त से चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए आपने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा, क्या हुआ मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ गलत है। तो इस पर मिस वाई कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस इस बारे में सोच रही थी कि आखिरकार लिनिए यहाँ पर जवाबी के तौर पर आगे जाकर क्या करने वाला है। जिस पर वाई फैमिली के हेड कहते हैं कि काउंटर अटैक यहाँ पर ऐसा मुमकिन भी नहीं हो सकता कि वो यहाँ पर तुम्हारे सेकंड एंगल के साथ यहाँ पर इसके बावजूद भी फाइट कर सके, और वैसे भी इतना सब कुछ होने के बाद तो वो किसी जगह पर बैठकर परेशान होगा और सोच रहा होगा इस बारे में। जहाँ पर वो अंदर आते हुए बताता है कि सर यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो चुका है और यहाँ पर एक आर्टिकल रिलीज हुआ है यांग कॉर्पोरेशन की तरफ से कि उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ कोई भी प्रोडक्ट को ऑथराइज नहीं किया है और वो यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करने वाले। जिस बात को सुनकर मिस्टर वाई हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने,
हैं। लेकिन मिसवाई तो यहाँ पर और ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि लिनी यहाँ पर सच में यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा, ऐसा करना तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। जहाँ पर वो पर्सन आगे बताता है कि ये बात यहाँ पर सच है और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि हमारे खिलाफ हो चुकी हैं और उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि जो फोटोलिथोग्राफी मशीन है उसे यहाँ पर हमने बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इसे यहाँ पर लिंगिया ग्रुप ने डेवलप किया है जिसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी किया है और इनकी यहाँ पर आई इस रिपोर्ट की वजह से हमारे शेयर बहुत ज्यादा ही नीचे जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं बॉय फैमिली के हेड के पास किसी का कॉल आता है जो कि वाई फैंग का था और इसे यहाँ पर उठाते हुए हेड वाई कह रहे होते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। तो वाई फैंग बताता है कि लिन के पास यहाँ पर यांग और एआई दोनों कंपनी के शेयर्स हैं और यहाँ पर ये दोनों कंपनियां एक साथ यहाँ पर मिलकर हमारे साथ ये सब कुछ कर रही हैं और ये सब कुछ उनका पहले का ही प्लान था। जहाँ पर मिस वाई भी ये सुन लेती है और अपने फादर से कहती है कि जैसा कि मैंने आपको रात में बताया था कि लिनिया यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास यहाँ पर कोई प्लान ना हो और वैसे भी यहाँ पर जब भी यहाँ पर आप उसे पीछे ढकलने की कोशिश करेंगे उसके पास यहाँ पर एक पहले से ही बेहतर प्लान होगा और वो जरूर कुछ ऐसा लेकर आ जाएगा जिसकी कि आपने और मैंने दोनों ने ही उम्मीद नहीं की होगी। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जिस बात को सुनकर वाई फैमिली के हेड कहते हैं कि मेरी गलती है कि लिनिया यहाँ पर मैंने तुम्हें कम आंख लिया। और हमारा सीन यहाँ पर लिन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन मस्त अपना पार्टी कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर लॉन्ग यहाँ पर लिन से चेयर्स करते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर देंगे। वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो लोग यहाँ पर इस वक्त इस बारे में क्या सोच रहे होंगे लेकिन मुझे इतना तो पता है कि अब वो लोग यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले। जिस पर लिन कहता है कि वैसे भी यहाँ पर अभी सब कुछ शुरू हुआ है और हमें यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस को बिल्कुल भी नहीं खोना है, इसलिए तुम यहाँ पर इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस जाओगे और वहाँ पर जाने के बाद इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना। वैसे भी यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चीजें आगे भी खराब हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर सैन यहाँ पर कहते हैं कि मिस्टर लिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर मीटिंग के बाद इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी के बारे में सब कुछ मेंशन था, तो क्या आप यहाँ पर इसे पब्लिक करना चाहते हैं। जिस पर लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने सब कुछ पहले ही कर दिया तो मैं यहाँ पर वाई फैमिली के कॉल का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों के बाद वो यहाँ पर कितनी देर तक रुक पाते हैं। और वैसे ये लड़की यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती है और मैं इसका नाम भूल गया तो मैं इसे यू ही कहूंगा क्योंकि ये जो आर्क था रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला ये करीबन 100 चैप्टर पहले आया था, मतलब मेरी 100 वीडियोस पहले आया था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसका नाम नहीं ढूंढ पाया। और हम देखते हैं कि यू यहाँ पर कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हमारी फोटोलिथोग्राफी मशीन यहाँ पर दुनिया के सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, ये काफी ज्यादा वियर्ड है। जिस पर मिस्टर सैन कहते हैं कि दरअसल हमें यहाँ पर जो रिसर्च है उसे यहाँ पर सीक्रेटली करना चाहिए था लेकिन बस हमारी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है और हम लोग यहाँ पर दुनिया के सामने आ चुके हैं। जिस पर लिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इंस्टीट्यूट के इंटरनल अफेयर्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, आपको इसे जैसे संभालना है आप यहाँ पर इसे वैसे संभालिए और आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। जिस बात को सुनकर मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो वही बहुत है। जिस पर लिन कहता है कि तो फिर कल तुम लोग यहाँ से जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना रास्ते में। तो मिस्टर सैन बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ पर पहले से फ्लाइट बुक कर दी है। और फिर हमारा सीन वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग बेस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लू सभी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। जहाँ पर लिन को देखकर यू कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे लिंगयांग ग्रुप में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो क्या ये ठीक हुई। तो लिन बताता है कि हाँ तुम यहाँ पर इस बारे में चिंता मत करो, मैंने इसे संभाल लिया है। वैसे रिजल्ट कैसा रहा तो यू बताती है कि हाँ ये लास्ट वाला है। और इसी के साथ यू यहाँ पर बताती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, यहाँ पर जो सियाओ विंग है वो यहाँ पर एक की लेवल है। लेकिन ये कहना थोड़ा अजीब होगा, अचानक से सियाओ विंग ने यहाँ पर अचानक से फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया है। जिस पर निजांग भी बताती है कि हाँ मतलब उसने एकदम अचानक से सब कुछ कर दिया, शायद वो अपने पोटेंशियल को छिपा रहा था। लेकिन बस ये इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर कुछ और है जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ है। यहाँ पर जो आपकी तरफ से यहाँ पर जो ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए यूई नाम की लड़की नहीं थी वो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर तो है लेकिन सियाओ वैंग तो यहाँ पर अचानक से 8th रैंक पर आ गया है। जहाँ पर लिन भी ये देखते हुए कहता है कि वाह ये थोड़ा हैरानी भरा था लेकिन आखिरी वाला मुकाबला कब होने वाला है। जिस पर मिस्टर लू बताते हैं कि इसे यहाँ पर कल के लिए निर्धारित किया गया है और जो लोग यहाँ पर इसे लेकर ठीक से प्रिपेयर नहीं है उनकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आज के लिए हमने उन्हें एक खाली टाइम दे दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन के पास यहाँ पर वाई फैमिली की तरफ से कॉल आने लगता है जहाँ पर लिन उसे उठाता है और जैसे ही हेलो कहता है जहाँ कॉल पर कोई पर्सन पूछता है कि क्या आप मिस्टर लिन है तो लिन यहाँ पर थोड़ा गुस्से में कहता है कि हाँ। तो लिन यहाँ पर कहता है कि क्या आप वाई लू हैं और वाई लू यहाँ पर मिस वाई के फादर होते हैं और वाई फैमिली के हेड होते हैं। जहाँ पर लिन उन्हें रिकॉग्नाइज करते हुए कहता है कि क्या आप वाई लू हैं तो वाई लू कहते हैं कि हाँ और दरअसल मैं यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी मशीन के मामले में यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे और हम यहाँ पर इसका पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, तो आप यहाँ पर जल्दी से सब कुछ करना बंद कर दीजिए प्लीज। तो जिस पर लिन कहता है कि इसे लेकर मेरे पास 3 कंडीशन है, अगर आप हाँ करते हैं तो ठीक है। पहले यहाँ पर एक बार अपने सारे सिस्टम के डेटा को आपको उड़ाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर
जो आपका यहाँ पर टेक कंपनी का सारा डेटा है वो भी हमें देना होगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर टेलीविजन और सारी चीजों पर ऑनलाइन सारी चीजों पर सभी लोगों के सामने जाकर हमसे माफी मांगनी होगी, तभी ये सब कुछ रुक पाएगा। जिस पर वही लोग कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम यहाँ पर ईमानदारी से आओ और तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है हम वो पे करने के लिए तैयार है, लेकिन हम इतना नहीं कर सकते और वैसे भी तुम यहाँ पर मेरी बेटी को जानते हो और तुम यहाँ पर उसके एक करीबी दोस्त हो, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। जिस पर लिन कहता है कि ये बेवकूफी करना बंद करो और वैसे भी यहाँ पर मैं तुम्हारी बेटी को जानता हूँ, ये जानने के बावजूद भी तुमने भी तो यहाँ पर इस चीज के अंदर कोई भी दया नहीं दिखाई थी, तो इसलिए अगर तुम यहाँ पर इन कंडीशन के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम्हारा मन अगर बदलता है तो तुम कॉल कर देना। जिसके बाद वो कॉल वहीं पर कट जाती है और हमारा सीन यहाँ पर वाई फैमिली के मेंशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वाई लोग कह रहे होते हैं कि वो पागल इंसानों से क्या लगता है कि क्या मैं उसके लिए पूरी दुनिया से माफी मांगूंगा। तो जिस पर मिस वाई यहाँ पर अपने फादर से कहती है कि वैसे भी उसने यहाँ पर आपको वक्त दिया है इस चीज का, तो अगर आपको यहाँ पर उसे मुआवजा देना ही है तो यहाँ पर उसकी तीनों शर्तों को पूरा कीजिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आगे जाकर अपना मन बदल लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर कोई ऐसा ऑफर रखेगा। और वैसे भी आप यहाँ पर इसे कैसे भी संभालते हैं ये आपके ऊपर है, मैंने तो पहले ही आपको इसके लिए मना कर दिया था। जहाँ पर वाई फैंग इस बात को सुनकर मिस वाई से कहते हैं कि तुम ब्रैड कहेगी, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, और वैसे भी हम उसकी पहली कंडीशन को तो मान भी सकते हैं लेकिन वो दो कंडीशन, वो तो उसने यहाँ पर हद ही पार कर दी है। तभी वाई फैमिली के हेड यहाँ पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो वाई फैमिली की रेपुटेशन है इतने सालों से, मुझे लगता है कि यहाँ पर उस बच्चे की सिर्फ एक कंडीशन की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और अभी हमें यहाँ पर दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होगा। और जहाँ तक मैं यहाँ पर इस मामले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। तो जिस पर वाई फैंग यहाँ पर वाई लू से कहता है कि भाई मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर एक रास्ता है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो जो लिनिए नाम का बच्चा है यहाँ पर उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। जिस पर मिस्टर वाई लू कहते हैं कि लिनिए से छुटकारा पाना यहाँ पर एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है अभी की, अगर यहाँ पर लिनिए को कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर जो सारा का सारा शक है वो हमारे ऊपर ही आ जाएगा। जिस पर वाई फैंग कहता है कि मुझे इस बारे में पता है, लेकिन क्या आपको यहाँ पर अभी भी ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन की वो एलिया नाम की लड़की याद है? हम यहाँ पर उसके डेथ के लिए यहाँ पर इनको फ्रेम कर सकते हैं और यहाँ पर जो जिफरे है वो इसके अंदर हमारी मदद कर सकता है, और ये अकेला तरीका जो कि यहाँ पर इनको पूरी तरीके से नीचे गिराने के लिए काफी है। जिस पर मिस्टर वाई लू कहते हैं कि ये बेहतर तरीका है सभी के शक को यहाँ पर हमारे ऊपर आने से पहले, हम यहाँ पर लिनिए को इस तरीके का इस्तेमाल कर अपने रास्ते से हटा सकते हैं। जिसके बाद लॉन्ग यहाँ पर वाई ये से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस बात को मेरी बेटी को मत बताना, क्योंकि उसके रिलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर इनको इसके बारे में बता दे। जिस पर वाई फैंग कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इस मामले को जल्दी से संभालना होगा, क्योंकि अगर मिस वाई यहाँ पर इनके पास कॉन्टेक्ट करती है तो वो यहाँ पर उनके बिना कुछ कहे ही समझ जाएगा कि कुछ गलत है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने भाई को कोई प्लान बताता है जो कि हमें नहीं बताया जाता और हमें दिखाया जाता है। कि वाइलू यहाँ पर इस प्लान को सुनने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर सारी चीजों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, प्लान बहुत अच्छा है। तो वाई फैंग भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जल्दी सबको शुरू करता हूँ। जिसके बाद वैंग फू यहाँ पर लिन के पास कॉल करते हुए लिन को बताता है कि मैंने यहाँ पर आपके सारे के सारे जितनी भी रिक्वेस्ट थी मैं यहाँ पर उसके लिए सहमत हो चुका हूँ, और मैं यहाँ पर आपको अपने आइसलैंड वाले डेटाबेस पर इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि आप सब कुछ अपने हाथों से ले सके। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जब कॉल कट जाती है तो यू यहाँ पर लिन से पूछ रही होती है कि क्या हुआ, क्या उन्होंने यहाँ पर इस चीज के लिए मना कर दिया है। जिस पर लिन कहता है कि यही तो बात है कि उन्होंने यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट को मना नहीं किया और उन्होंने मान लिया है, और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर मुझे इन्वाइट भी किया है अपने आइसलैंड वाले जो वाई फैमिली का मेन बिजनेस है वहाँ पर, और मैं इस बारे में जानकर बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ। जिस पर यू कहती है कि हाँ वो लोग इतनी आसानी से मान गए और मुझे भी लगता है कि इसके अंदर कुछ गलत है, लेकिन क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो? तो इस बात को सुनते हुए लिन कहता है कि हाँ मुझे जाना तो पड़ेगा ही, और जैसा कि मुझे यहाँ पर उन्होंने इतने प्यार से इन्वाइट किया है तो मैं भी वहाँ पर बड़े प्यार से जाऊँगा, और अगर वहाँ पर कुछ गलत होता है तो ये उनके ऊपर है कि यहाँ पर वो लोग किस तरीके से इसे संभालेंगे। जिस बात को सुनते हुए यू कहती है कि मुझे यहाँ पर लिनिए के स्किल पर डाउट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बिना किसी प्लान के जाना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं जो कि आते हुए कह रहे होते हैं कि तो अभी क्या चल रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी को बताते हैं कि फोर्थ ग्रुप की तरफ से यहाँ पर एक न्यूज आई है कि वो लोग यहाँ पर जल्दी ही आ रहे हैं, और वो लोग यहाँ पर डियाला आइसलैंड से निकल भी चुके हैं, लेकिन एक बुरी खबर है कि यहाँ पर ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन के लोग भी वाई फैमिली के रेजिडेंट की तरफ जाते हुए देखा गया है। जिस पर लिन कहता है कि जिफरे यहाँ पर टॉप 3 कॉर्पोरेशन में से एक है हैंचेंग की, लेकिन यहाँ पर वाई फैमिली की तरफ जाने की उसकी क्या जरूरत पड़ गई। जिस पर नीचे कहती है कि जिमी और एलिस यहाँ पर सौदे के लिए आए थे, क्या इस बार भी वही होने वाला है? तो जिस पर यू कहती है कि पिछली बार की जो लेन देन थी वो यहाँ पर विफल हो गई थी, उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर क्या दोबारा से फिर भी यहाँ पर एक ही चीज रिपीट करेंगे? लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिफरे के लिए यहाँ पर जो जेनेटिक पोषण है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यहाँ पर वाई फैमिली भी उसी के ऊपर रिसर्च कर रही है। जिस पर लिन कहता है कि अगर यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक ही बात होती है कि जिफरे यहाँ पर अपने लोगों को एलिस और जिमी के बारे में पता लगाने के लिए ढूंढ रहा है, और वो जानना चाहता है कि उनकी डेथ क्यों हुई। जिस बात को सुनकर यू कहती है कि हाँ शायद ऐसा कह सकते हैं।
हैं। तो इसलिए फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर अभी इसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन वैसे भी यहाँ पर जेफरी अपने लोगों की तलाश के लिए यहाँ पर अपने लोगों को बुला रहा है और यहाँ पर फोर्थ ग्रुप के लोग भी यहाँ पर टियाला आइसलैंड से निकल चुके हैं यहाँ के लिए। तो क्या इनके बीच में क्या कोई ना कोई संबंध हो सकता है? जिस पर लिन कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी मैटर है तो तुम्हें इसे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो सीरियसली लेना ही चाहिए। और फिर वहां से हमारा सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन अगले दिन का शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ट्रेनिंग करते हुए लोगों को। जहाँ पर जब सभी पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो लिन भी वहां से जा रहा होता है, जिसके बाद वो वहां से चलते हुए मिस्टर लू के कमरे के अंदर आता है जहाँ पर वो नोटिस करता है फोर्थ ग्रुप के कुछ मेंबर्स को जो कि वहां पर बैठे हुए थे। जहाँ पर मिस्टर लू आगे आते हुए लिन को बताते हैं कि मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इनका नाम यहाँ पर जुंग ची है जो कि यहाँ पर फोर्थ ग्रुप के एक मेंबर है, और इनका नाम यहाँ पर वी है जो कि यहाँ पर फोर्थ ग्रुप के एक मेंबर है। जिस पर लिन कहता है कि फोर्थ ग्रुप के लोग यहाँ पर क्यों है, क्या टियाला आइसलैंड पर मिशन खत्म हो चुका है? जिस पर मिस्टर लू बताते हैं कि वो यहाँ पर वाई फैमिली के मैटर की तरफ से हैं और वो लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ वाई फैमिली के उस आइसलैंड पर जाने वाले हैं और वहाँ पर अगर कुछ होता है तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी जोंगची कहता है कि समय अनुसार यहाँ पर आदेशों का पालन करना पड़ता है और वैसे भी अगर कोई गड़बड़ी होती है या फिर तादाद के अंदर कोई कमी होती है तो मुझे लगता है इस सारे जोखिम की जिम्मेदारी हमें ही उठानी होगी। जिस पर लिन कहता है कि कम से कम मैं यहाँ पर एक टीम लीडर हूँ और आप लोग यहाँ पर टीम के एक मेंबर हैं, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर खुद ही जिम्मेदारी आपको उठानी होगी, बल्कि मैं भी यहाँ पर आपको इसके अंदर लीड कर सकता हूँ। जिस पर जोंगची कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या था कि हम लोग यहाँ पर बस टीम के एक मेंबर हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर फोर्थ ग्रुप से हैं और हमारा ग्रुप यहाँ पर बाकी ग्रुप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है और हमारे ग्रुप का एक मेंबर भी दूसरे ग्रुप के टीम लीडर के बराबर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर अगर टीम लीडर हैं तो हमारा सामना कर पाएंगे तो आप गलत हैं। जिस पर लिन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही ग्रेट हो तो जाकर उस चेयर पर क्यों नहीं बैठ जाते। जहाँ पर निचैन को ये बात सुनकर हंसी आ जाती है, जिस पर जूनचैन कहता है कि बच्चे मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर अभी भी संस्कारों की कमी है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अभी भी नहीं पता कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि क्या कहा तुमने, बात की जाती है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और आ गया जो कि बात बात में आगे जाकर और ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। तभी मिस्टर लू यहाँ पर बीच में आते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पर इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग यहाँ पर जल्दी इकट्ठा नहीं होते, और अगर तुम लोग इकट्ठा हुए हो तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तुम लोग यहाँ पर अपनी इस दुश्मनी को भूल जाओ और एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाओ। और वैसे भी चलो हम लोग यहाँ पर नीचे की चलकर ट्रेनिंग देखते हैं कि कैसी चल रही है वो। और जैसा कि अभी यहाँ पर आइसलैंड पर कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो आप लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से आप लोग यहाँ पर ट्रायल के अंदर शामिल हो सकते हैं और चीजों को संभालने में और यहाँ पर उनके ऊपर नजर रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा तुम्हें भी यहाँ पर थोड़ा शांत दिमाग के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ही टीम के कॉमरेड्स हैं, तो हमें यहाँ पर एक दूसरे से इस तरीके से लड़ाई करने के बजाय एक दूसरे को समझना भी चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि यहाँ पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी एक चाय पीने वाला पर्सन भी जो कि मेरा दोस्त है वो भी यहाँ पर इससे बेहतर होगा। तो लिन की इस बात को सुनकर बाकी सभी यहाँ पर नीचे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वही अकेली चाय पी रही थी। जहाँ पर वो हैरान होते हुए कहती है कि एक मिनट, आखिरकार इससे मेरा क्या लेना देना, कि बस थोड़ा सेफ्टी पर्पस हम तुम्हें वॉर्न कर रहे थे कि इस दोस्ती में करीब आना इतना भी बेहतर नहीं होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा सीन होता है वो बाहर ग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर लू आते हुए बताते हैं सभी को कि मैं तुम्हें यहाँ पर इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इनमें से पहले पर्सन का नाम यहाँ पर जू चैन है और दूसरे का नाम यहाँ पर वी है, कि ये लोग यहाँ पर फोर्थ ग्रुप के मेंबर हैं और ये लोग यहाँ पर तुम्हारे ट्रायल के अंदर तुम्हें टेस्ट करने वाले हैं। तभी जू चैन यहाँ पर सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर ट्रायल के लिए आए हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही कमाल की बात है और मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे। जिस पर यू कहती है कि फिर भी यहाँ पर ट्रायल्स को बेहतर कर दिया गया और थोड़ा कठिन भी, जिस वजह से अभी तो फिलहाल के लिए बहुत कम है, क्योंकि पहले ट्रायल के लिए और भी लोग आया करते थे, लेकिन यहाँ पर इनमें से दो लोग हैं जो कि अभी से ही डी लेवल पर हैं और उनकी जो स्किल्स है वो काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। और जैसा कि ये लोग यहाँ पर इतने ज्यादा ही परफेक्ट हैं तो ये लोग जल्दी यहाँ पर मिशन को भी करना स्टार्ट कर देंगे, और जब इन लोगों ने साइन अप किया था तब मैं भी यहाँ पर इनकी कैपेबिलिटी को देखकर हैरान हो गई थी। जिस पर जुनचैन कहता है कि क्या डी लेवल के पर्सन आखिरकार वो लोग कहाँ पर है, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। तो यू यहाँ पर तेज आवाज के साथ थाओ कोएंग और यूई को यहाँ पर आगे आने के लिए कहती है, जहाँ पर जू चैंग उन्हें देखते हुए कहता है कि इनकी अपीयरेंस यहाँ पर 20-30 साल के बराबर होगी, लेकिन ये लोग यहाँ पर अनबिलीवेबल टैलेंट के साथ यहाँ पर आए हैं, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे फोर्थ ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? जहाँ पर लिन इसे देखते हुए कह जाता है कि वाह कितनी कमाल की बात है कि वो यहाँ पर मेरे ही सामने मेरे ही टीम के अंदर आने वाले मेंबर्स को चुराने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिस्टर लू के साथ उसके या फिर उसके ग्रुप के यहाँ पर ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होंगे। लेकिन तभी यूई और साउ चैन यहाँ पर जू
जू चैंग को मना करते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में जाने वाले हैं। जहाँ पर जू चैंग इस बात को सुनकर शौक होता है और वो लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि वाह तुम्हारा टीम लीडर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमाल का है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल खत्म भी नहीं हुआ और उसने यहाँ पर तुम्हें अपने अंडर कर लिया। जिस पर लिन कहता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, दरअसल तुम ही अगली हो जिस वजह से तुम यहाँ पर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जहाँ पर हम देखते हैं नी चैंग को इस बार भी हंसी आ जाती है लिन की बात पर और ये पर्सन बस गुस्सा ही कर रहा होता है। सॉरी ये दरअसल यूई है और दोनों के बाल एक जैसे हैं तो मैं समझ नहीं पाया। तभी जू चैंग यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि भले ही तुम्हारा लेवल यहाँ पर डी लेवल हो और तुम दोनों यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वक्त के काफी बेहतर मेंबर हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से ज्वाइन हो पाओगे। भले ही तुम्हारा टीम लीडर ज्वाइन हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी सभी डी लेवल के लिए यहाँ पर मैच इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर एक साथ टीम बनाते हो तो शायद तुम्हारे लिए और ज्यादा आसान हो जाए। जहाँ पर यू इस बात को सुनते हुए कह रही होती है कि जू चैंग यहाँ पर क्या करना चाहता है, ये लोग यहाँ पर पहले से ही डी लेवल पर हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्हें कोई हरा नहीं पा रहा और अगर ये लोग यहाँ पर एक साथ टीम बनाते हैं तो यहाँ पर कौन होगा जो कि असलियत में यहाँ पर हल्का सा भी इन्हें पीछे भी कर पाए। लेकिन तभी साउ क्वेंग जैसा कि उसकी पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर जू चैंग को सीधा ही स्पार्क के लिए चैलेंज कर देता है। जहाँ पर जू चैंग ये देखते हुए कहता है कि वाह ये तो काफी ज्यादा ही अच्छा डिसीजन लिया तुमने, लेकिन मैं यहाँ पर फोर्थ ग्रुप की वैंगार्ड बटालियन का यहाँ पर एक छोटा सा मेंबर हूँ और अगर मैं यहाँ पर तुमसे सीधा स्पार्क करता हूँ तो मेरे जूनियर्स मुझे लगता है कि ये यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो चलो क्यों ना यहाँ पर तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करूँ। जिस पर साउ क्वेंग कहता है कि यहाँ पर एक हाथ का इस्तेमाल करना इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर तुम ऐसा करते हो तो बाद में अगर मैं तुम्हें डिफीट करता हूँ तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। जिस पर जू चैंग कहता है कि यहाँ पर मुट्ठी और पैर की कोई आंखें नहीं होती और वैसे भी अगर हम लोग यहाँ पर बाहर मिशन के अंदर जाते हैं तो ऐसे भी काफी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें बिना किसी पैर के या बिना किसी हाथ के लड़ना पड़ सकता है, तो मेरे पास इसकी ट्रेनिंग पहले से ही है। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर आगे आते हुए कहता है कि तो मुझे भी लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन देखने से साफ पता लग रहा है कि तुम इसे लेकर काफी ज्यादा ही एरोगेंट भी हो। जिस पर जू चैंग यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे बहुत कुछ बोले जा रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हारा कहना है कि मैं उन्हें यहाँ पर अपने एक हाथ के साथ नहीं हरा सकता तो तुम भी यहाँ पर उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, आखिरकार तुम्हें भी तो पता लगे कि आखिरकार मैं हूँ कौन। जिस पर लिन कहता है कि नहीं नहीं मेरा कहना कुछ ऐसा नहीं था, मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भले यहाँ पर उनका लेवल कम हो लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर साथ में है तो वो तुम्हें पीछे ढकेलने की हिम्मत रखते हैं, यहाँ तक कि जो ये बाकी के लोग हैं जो कि यहाँ पर डी लेवल पर भी नहीं है अगर वो लोग भी यहाँ पर एक साथ आ जाएं तो ये बात तो यहाँ पर साफ है कि तुम यहाँ पर उन्हें भी डिफीट नहीं कर सकते। जिस पर जू चैंग कहता है कि बकवास करना बंद करो, यहाँ पर अगर वो डी लेवल के लोग हैं तो वो शायद मुझे थोड़ा बहुत पीछे ढकेल पाए, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है कि ये कमजोर से लोग यहाँ पर मेरा कुछ कर सकते हैं, भले ही वो लोग यहाँ पर अंधेरा होने तक ट्राई करे वो यहाँ पर मुझे छू भी नहीं सकते। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर जू चैंग से कहता है कि क्यों नहीं चलो यहाँ पर इसे एक बार टेस्ट कर देखा जाए, जिसके बाद लिन यहाँ पर सभी को मोटिवेट करते हुए कह रहा है कि अगर यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर कोई तुम्हारे साथी को परेशान करता है तो तुम्हें यहाँ पर उसके साथ क्या करना चाहिए, तो बाकी लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि रक्तपात करना चाहिए, एकदम खून ही खून कर देना चाहिए चारों तरफ। तो जिस पर लिन यहाँ पर जू चैंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तो फिर क्यों नहीं तुम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हो इस रक्तपात की यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे भी वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो तुम्हें रात तक तो झेल ही लेगा, ऐसा उसने ही कहा था। जहाँ पर नी चैंग देखते हुए कह रही होती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि लिन यहाँ पर जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो यू कहती है कि हाँ इसमें वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं, उसे शांत हो जाना चाहिए था पहले ही। जहाँ पर जू चैंग बाकी के लोगों को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो सभी यहाँ पर एकदम जोश के अंदर होते हैं जू चैंग से लड़ने के लिए। जहाँ पर जू चैंग इसके बाद घबराते हुए लिन से कहता है कि आखिरकार लिन तुम ये क्या करने का ट्राई कर रहे हो, तो लिन कहता है कि मैं तो वही ट्राई कर रहा हूँ जो कि तुमने अभी अभी सभी के सामने कहा था, तो तुम यहाँ पर अपनी बात से पीछे मत हटो। जिसके बाद लिन यहाँ पर सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हें ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन होना है तो तुम लोगों को यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर मिस्टर जू चैंग को अपने स्किल्स को दिखाना होगा, तभी वो तुम्हें अपने ग्रुप के अंदर ले पाएंगे। जहाँ पर जू चैंग के ऊपर सभी लोग स्किल्स के नाम पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर जू चैंग भागते हुए कह रहा था कि तो गलत बात है, यहाँ पर एक के खिलाफ इतने सारे लोग ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जहाँ पर लिन ये देखते हुए जू चैंग को कह रहा था कि तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ पर उन्हें रात तक संभाल लोगे, लेकिन क्या तुम यहाँ पर इस तरीके से दौड़ दौड़ कर क्या उन्हें यहाँ पर रात तक संभालने वाले हो। तभी जू चैंग यहाँ पर चिल्लाते हुए लिन से कहता है कि लिन ये किस तरीके का मजाक है, जल्दी से इन लोगों को रोको। तो लिन यहाँ पर कहता है कि तुम तो यहाँ पर फोर्थ ग्रुप के बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेंबर हो, तो आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इनसे क्या डरने की जरूरत है। जिस पर जू चैंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है डरने की क्या जरूरत है, यहाँ पर एक के खिलाफ इतने सारे लोग, मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर इसे खुद भी संभाल सकते हो या फिर नहीं। जिस पर लिन कहता है कि मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी वो लोग यहाँ पर नूबीज हैं और तुम यहाँ पर फोर्थ ग्रुप के मेंबर हो, तो यहाँ पर तुम्हें इसे खुद ही रोकना होगा, वैसे भी तुम तो कुछ ज्यादा ही कह रहे थे ना अपने बारे में। लेकिन तभी वहाँ पर वी आते हुए लिन से कहती है कि वैसे लिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, एक टीम लीडर होने के तौर पर तुम्हें यहाँ पर ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए और अभी यहाँ पर तुम इसे बंद करो, वैसे
भी। अगर तुम यहाँ पर स्ट्रांग हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी कर सकते हो। जसपल इन यहाँ पर वी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इसे कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ पर अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हो जाओ कर लो। जिस पर वी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर एक लड़की हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ मैं यहाँ पर, जुनचेंग से यहाँ पर कुछ ज्यादा स्ट्रांग हूँ। यहाँ तक कि फोर्थ ग्रुप के अंदर यहाँ पर मेरी रैंक 8th है और मेरे पास यहाँ पर इसका एक सर्टिफिकेट भी है कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी ग्रुप लीडर को नुकसान पहुंचाती हूँ तो यहाँ पर मेरे खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर तुम्हें मुझसे उलझना ना हो तो यहाँ पर इन चीजों को बंद करो, नहीं तो ये चीजें यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ी बुरी भी हो सकती है। जसपल इन कहता है कि तुम फोर्थ ग्रुप के बदसूरत लोग, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर स्ट्रांग हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आंखों के ऊपर पड़ी हुई इस गंदगी को साफ करना चाहिए पानी से पहले। जिस पर यू कहती है गुस्से में इनको देखते हुए कि तो ठीक है, आगे के एक्शंस के लिए यहाँ पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर स्ट्रांग हो तो ये लो और यहाँ पर इसे संभालो। तभी नीचे भी ये देखकर यहाँ पर इनको केयरफुल होने के लिए कहती है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।